बाजी लगाकर इस देश के अंदर अपना योगदान साबित करेंगे, ये हम इस मंच के माध्यम से सेठी चौधरी भाई के साथ में ऐलान करते हैं। ऐलान करते हैं साथियों, आज इस देश के अंदर हम लोग नौकरियों की भीख मांग रहे हैं, आज इस देश के अंदर हम भीख मांग के रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं भी एक अधिकारी हूँ, मैं एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हूँ। आज हमारे को अपने पद छोड़ने पड़ेंगे, घर परिवार त्यागने पड़ेंगे, समाज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैदान में आना पड़ेगा, संविधान और बाबा साहब को बचाना पड़ेगा, तो हमारे बच्चों के लिए नौकरी बचाएंगे, आने वाले जनरेशन के लिए नौकरी दे पाएंगे। आज हम अपने लिए कुछ बना रहे हैं वो कोई महान बात नहीं है। आज इस देश को हम क्या देकर जा रहे हैं, समाज को क्या देकर जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं बाबा साहब और भारतीय संविधान पे खतरा है, इस भारतीय मूल संस्कृति हमारे इतिहास पे खतरा है, आप लोग के आने वाले जनरेशन पे बहुत बड़ा खतरा है। अगर आज आपने उसको सही तरह से नहीं बताने का प्रयास किया, अगर आज आप लोग किसी भी बात को लेकर विवाद में पटे रहे, अपने संगठन या अपने अपनी पार्टी के लिए अलग काम करते रहे, तो शायद आपके पास आने वाले समय में इस तरह का कार्यक्रम करने का भी मौका नहीं बचेगा। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, एनडीए का समर्थक डॉक्टर केशराव, कि आए एक मंच पर अपने मतभेद मिटाएं, मनभेद मिटाएं, सभी संगठन सभी पार्टियां एक मत के साथ में देश के अंदर अपने समाज का प्राइम मिनिस्टर बनाए, ऐसा ऐलान लेके जाना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ से संदेश लेके जाना चाहिए। अगर ऐसा करने में हम सक्षम हुए, ऐसा करने में सफल हुए, तो साथियों ये बहुजन समाज का आंदोलन भी जिंदा रहेगा, ये बहुजन समाज में क्रांति भी जिंदा रहेगी, भारतीय संविधान भी जिंदा रहेगा, और केपी चौधरी उसके साथी और संगठन और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने संविधान बताने का पढ़ लिया है वो लोग भी जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ, मैं किसी बात से डरता नहीं हूँ, नौकरी की परवाह करता नहीं हूँ, घर परिवार त्याग दिया है, समाज के लिए जी जान से लगे हुए हैं, किसी भी हालत तक डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, ऐसा ऐलान करते हैं। और भारतीय संविधान को, बाबा साहब को इस देश के अंदर सर्वोपरि बनाने के लिए जी जान की बात लगानी पड़ी, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए भाई केपी चौधरी ने ये 2 मिनट का समय दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका धन्यवाद करता हूँ, और इस आंदोलन में इस संगठन के साथ में पूरे तन मन धन से पूरे देश में हमारा जो साथ है आपके लिए मैं प्रणाम लूंगा, आपके साथ आगे बढ़कर आंदोलन को बढ़ाएंगे, बहुजन समाज को सशक्त बनाएंगे, अपने बच्चों के अधिकार को बताने के लिए रोड़ों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, संविधान को व्यवस्था को बचाएंगे, तभी जाके हमारी जिंदगी और हमारा उद्देश्य पूरा होगा। घर में रह के बीवी बच्चों के साथ रह के अपनी नौकरियों को सुरक्षित करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये साथियों आज ऐलान करते हैं और प्रण लेते हैं कि जब तक साथ बाकी है, तब तक मेरे खून में एक कतरा बाकी है, तब तक मेरे शरीर में कपड़ा वस्त्र बाकी है और बाबा साहब और भारतीय संविधान है। इसलिए मैं कसम खाता हूँ, अपने एक एक कण के लहू की मैं कसम खाता हूँ, बाबा साहब के दिए इस वस्त्र और सूट बूट की मैं कसम खाता हूँ, इस देश की संस्कृति इतिहास की, कि इसको जिंदा रखने के लिए अगर मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा, कभी झुकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं, ऐसा कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय संविधान के लिए हम निकले हैं, संविधान पढ़ाएंगे, केपी चौधरी जैसे संगठनों को साथ देंगे और अपना शासक वर्ग, अपना नेता, अपना पीएम बनाएंगे, अपने समाज को हुक्मरान बनाएंगे और भारतीय संस्कृति में जो हमारा इतिहास है उसको पुनर्जागृत करके स्थापित करेंगे और बाबा साहब को महान बनाएंगे। यही संदेश है, एक बार जोर से आवाज देना चाहिए, आप सबको मेरे को सुना, शांति से प्यार का सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।